हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, कहते हैं जब दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है। चर्म रोग हो या नेत्र रोग, रोगों के दुख में फंसे लोगों के लिए जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही दरबार है जहां मिलती है उन सभी रोगों से मुक्ति। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहाँ के दर्शन करने से नेत्रहीन को नेत्र ज्योति और चेचक खसरा जैसे चर्म रोगी को मिलता है उनके रोगों से निजात। एक ऐसा स्थान जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जो सिर्फ मंत्र ही नहीं तंत्र उपासना के लिए है प्रसिद्ध, जो है सुप्रसिद्ध पौराणिक श्री शीतला माता मंदिर। ये प्राचीन मंदिर तो 1803 का है और ये जो माता शीतला की स्थापित मूर्ति है ये भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में स्थापित करी है। और ये योग माया और तांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान बहुत ही उचित माना गया माता जी का। माता का ये चमत्कारी एवं पौराणिक मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हाथीपुर कठहरी बाग में स्थित है। मंदिर मार्केट के बीच काफी भीड़ वाले इलाके में स्थित होने के कारण बाहर से दिखने में साधारण सा प्रतीत होता है, पर इसका इतिहास और यहाँ विराजित माता शीतला के चमत्कार बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं द्वापर युग में महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण पशुपतिनाथ के दर्शन करके आ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें ये स्थान बहुत ही अद्भुत एवं शांतिपूर्ण लगा और अपनी आत्मा के आदेशानुसार उन्होंने यहाँ एक छोटी सी मठिया बनाकर माता शीतला की पाषाण प्रतिमा स्थापित की और उनका पूजन किया। समय के साथ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया और समय समय पर कई राजाओं द्वारा मंदिर का पुनरुत्थान होता गया और मंदिर जीर्ण होता गया। कालांतर यहाँ पर घना जंगल था और जब धीरे धीरे आबादी होना शुरू हुई तब यहाँ पर लोगों को माता शीतला की प्रतिमा दिखी। इस प्रकार से सन 1802 में महेवा स्टेट के तत्कालीन महाराजा ने यहाँ मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया और माता काली स्वरूप माँ शीतला की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया, जो वर्षों से यहाँ विराजमान हो आज भी भक्तों के हर प्रकार के संकट हर रही हैं। इस प्रकार से समय समय पर लोगों द्वारा माता के मंदिर का सौंदर्यकरण व उचित रखरखाव किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह के दर्शन होते हैं जिसमें माँ महागौरी अर्थात माँ काली शीतला माता स्वरूप में विराजमान है। धार्मिक मतानुसार माँ शीतला चेचक खसरा व सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति देने वाली देवी हैं। इसलिए यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है और उनके अनुभव भी हैं कि यहाँ शीतला माता के दर्शन करने से माता उनके सभी प्रकार के चर्म रोगों को हर लेती हैं। नेत्रहीन को यहाँ माता के दर्शन करने पर नेत्र ज्योति तक प्राप्त हुई है। अनेकों चमत्कारिक अनुभवों से व्याप्त इस मंदिर में भक्तों की हर दिन ही भारी भीड़ होती है। शीतला माता का ये मंदिर तंत्र साधना के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। साधारणतः मंदिरों में आपको हवन वर्गाकार दिखता है किंतु यहाँ स्थापित हवन कुंड त्रिभुजाकार है जो दिखने में काफी रोचक प्रतीत होता है। मंदिर परिसर बहुत विशाल नहीं है। गर्भगृह के बाहर चारों ओर वर्गाकार परिक्रमा मार्ग है जहाँ माँ आदिशक्ति के नवदुर्गा एवं 10 महाविधा स्वरूप के दर्शन होते हैं जिनके दर्शन कर आपको अंदर से एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ बाबा काल भैरव और भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं। भक्तजन भोलेनाथ का अभिषेक भी अवश्य करते हैं। मंदिर में हनुमान जी महाराज भगवान गणेश व शिव परिवार के भी दर्शन होते हैं। मंदिर से जुड़ी एक और रोचक बात है जो जुड़ी है मंदिर के परिसर में स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष से। लोगों का मानना है कि इस पीपल के पेड़ के तने में भगवान गणेश के स्वरूप के दर्शन होते हैं, इसलिए इस पीपल के वृक्ष की पूजा का भी
यहाँ बहुत महत्व है। क्योंकि ये माता का मंदिर है, इसलिए यहाँ वर्ष के दोनों नवरात्रों में भारी भीड़ और विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही शीतला अष्टमी व हर साल 24 अप्रैल को माता के वार्षिक उत्सव के साथ ही अन्य सभी त्योहार भी यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, माता शीतला का अस्त्र झाड़ू है, इसलिए इनकी पूजा पाठ में और माँ शीतला को समर्पित सभी धार्मिक आयोजनों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। और जैसा कि माता के नाम से प्रतीत होता है कि माँ शीतला शीतलता यानी शांति और ठंडक प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए इनको भोग भी ठंडा ही लगाया जाता है। वैसे माता के भोग में हलवा, चना, गुड़ आदि अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में माता को तेल व घी का दिया जलाया जाता है। माता शीतला के इस मंदिर में आरती का समय सुबह 5:15 बजे, फिर 8:30 बजे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे तथा सायंकालीन आरती 8:30 बजे होती है। आरती के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यदि आप लखीमपुर शीतला माता के इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो आप यहां स्थित माता लक्ष्मी को समर्पित संकटा माता मंदिर, गोल गोकर्ण मंदिर, मेंढक मंदिर, देवकाली शिव मंदिर, टेढ़े नाथ मंदिर, लिलौटी नाथ मंदिर इत्यादि के दर्शन भी अवश्य करें। आप लखीमपुर खीरी स्थित शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां तक वायु मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आप लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा चुन सकते हैं, जो लखीमपुर से 150 किलोमीटर दूर है। वहां से लखीमपुर के लिए कैब ले सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा आने के लिए लखनऊ बरेली सीतापुर लखीमपुर के निकटतम रेलवे स्टेशन है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा लखीमपुर की यात्रा करने के लिए आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा आसानी से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि लखीमपुर दिल्ली सीतापुर बरेली गोंडा सभी से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ की यात्रा किसी भी मार्ग द्वारा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको लखीमपुर स्थित श्री शीतला माता मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर हमारे तिलक परिवार का हिस्सा बने। जल्द ही आपसे एक अन्य पवित्र स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय माता दी।